नाम तेरा तू ही चवर ढुलारे दस अठारह सत्य चारे भाणी है बर्तन है सगल संसारी कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुहारे तुम दीप भेद साज आरती बार जाओ कमला बाती मंगला हर मंगला मंगल राजा राम राय हो उत्तम दियरा निर्मल बारी तुही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत तैतार गोविंदे नैन भाणे पद परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवाकर अद्भुत आदि समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया नाथ रहे करना हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई आंडा बर मानिगम विचार अलख नलख जाय तत तेल हम किया बाती दीपक दे ज्योत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे शब्द अनाद पारे संग सारंग पाने कबीर दास तेरी आरती की आरती की तेरी आरती की आरती की तेरी आरती की निरंकार निर्वाणी हे गोपाल तेरा ताप प्यार तेरा वाहे गुरु जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता काल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करें तिनकी धरती गेहन चंगी जन कन्ना ले मैं मंगी है गोपाल तेरा गोपाल तेरा भगत न की जय रे माला अपनी जय मांगो संतन रेना मैं नहीं किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे अपन देहो तले हो मंगे तो इसे मांगो चूना पाओ भेओ संगलूना असिर मांगो डाले मोको दोनों भक्त दिवाले काट मंगो जो पाई तिरहाना अमृत लाई ऊपर को मांगो तिंधा तेरी भगत करे जन तिंधा मैं नाही किता लबो इस नाम तेरा मैं भगो कह कबीर मन माने मन माने तो हर जाने माधो कैसी बने दयाल कैसी बने तुम संगे संगे आप न दे हो तारे हो मंगे मंगे
तुया याते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप में सुख पावे जग कर एक वेद रह भाव तप हर मिल जान लावे चादर दल मृदंग उमंग बाबलिए सुर साज मिलावे नर गंधर्व गान करे कंजस पछर नित दिखावे आरती कूट कर सुर सुंदर देख देवपुरी मिल कुल मंगल गावे राम है सस है करुणा निधि मेरी अब विनती सुन गए और नामक हो तुम ते कछ चाहत हो चित मैं सोई की जय सोत हिरण पीतर जूझ मरो तो साथ पति जय संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम ही है वरदी जय कृपा तुम्हारी कर मैं न गयो सत तो हे भगवान कर मैं न गयो सब तो हे भगवान दोहरा सगल द्वार को छाड के गयो तुहारो द्वार पाए गए की लाज अस को मिलता सुहाग ऐसे जन प्रताप देवन बटो प्रताप तीन लोक जय जय करे रह नाम सतजा चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं सर्वदा सर्व जोग दे कालनासी दयाल स्वरूप सदायंग संगे अभंगम वे भूते रखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे रखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे रखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तारे सेवा कछु न जानहु मूर्खारे सेवा कछु न जानहु मूर्खारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा
धारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे मान करो तुझे मेरे प्रीतम प्यारे मान करो तुझे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सब भूलते तुम बख्शनहारे तुम बख्शनहारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे हम गुण करे असंग नीत तुम निर्गुण दाता रे हम यम गुण करे असंग नीत तुम निर्गुण दाता रे दासी संगत प्रभु कर हमारे कर्म हमारे दासी संगत प्रभु दया कर्म हमारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे सेवा तू लगाए से बात मूर्खारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा धारे तुम देवो सब कुछ दया था हम कृतघना रे तुम देवो सब कुछ तुम देव हो सब कुछ दया धार गणारे लाग परे चित समारे चित
सुमारे लाग परे तेरे दान सो चित खुशमारे मैं चित खुशमारे चित खुशमारे राखो अपने शरण प्रभु मोहे कृपा रे राखो अपने शरण प्रभु मोहे कृपा तारे के मत छू न जानो मूर्खारे सेवा कछू न जानो नीच मूर्खारे राखो अपने शरण प्रभु मोहे कृपा रे राखो अपने शरण प्रभु मोहे कृपा रे मन करो रे मेरे प्रीतम प्यारे मान करो तुझे ऊपरे मेरे मेरे प्रीतम प्यारे प्रीतम प्यारे अंतरो तुझे ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपना सदगुते हम अपना सदगुते तुम बचन हारे तुम बचन हारे तुम बचन हारे राखो अपने शरण प्रभु मोहे कृपा तारे राखो अपने शरण प्रभु मोहे कृपा तारे कुछ नहीं हारे तुझते बाहर कुछ नहीं अब काटने तुझते बाहर तुझते बाहर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अब काटन हारे भव हारे कुछ दिन कमन हमारा मेरे प्रीतम प्राण धारा कुछ दिन कमन हमारा मेरे प्रीतम प्राण धारा अंतर की बुद्ध तुम ही जानो तुम ही सजन सुहेले सर मैं बुद्ध दे पाए मेरे ठाकुर अग है तोले मेरे ठाकुर अग है तोले कुछ दे बाहर किछ नहीं पाग काटन हारे पाग काटन हारे सिखते बहुत कमावंदे
न पारावा अंत न पारावा हर कृपा करके बख्श ले हो पापी बट गुनगा हो पापी बट गुनगा तुझते पार किछ नहीं हम तन्हारे पाप कहूँ नानक की शरण दयाल गुर ले हो मुक्त उधारे ले हो मुक्त कहूँ नानक कहूँ नानक नानक शरण दयाल गुर ले हो मुगद धारे वाहेगुरु तब वाहेगुरु 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 तुझते बाहर किछ नहीं अब नारे मेरे ने हो दयाल तैपे दुआरे तैपे दुआरे दुआरे मेरे ने हो दयाल तैपे दुआरे रख ले वो दीन दया हर मत बहु हारिया अब हम चली ठाकुर बहार अब हम चली ठाकुर बहार जब हम शरण प्रभु की आई नाथ प्रभु पावे मार नाथ प्रभु पावे मार राख प्रभु पावे मार राख प्रभु पावे मार राख प्रभु पावे मार राख प्रभु पावे मार किछ नहीं पाव तन्हारे लिखे कते न छूटिए किन किन भुलन हा किन किन भुलन हा बखन हारी बख्श ले नानक पार उतार बखन हारी बख्श ले नानक पार उतार उठते बाहर किछ नहीं तन्हारे पाव कहू नानक शरण दयाल गुर ले हो मुगद उधारे ले हो मुगद उधारे ले हो मुगद उधारे ले मुगद उधारे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु उगते बाहे नहीं कहो नानक शरण दयाल गुर ले हो मुकुट उधारे ले हो मुकुट उधारे ले हो मुकुट उधारे रातो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा रातो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा तारे सेवा कछु न जानू मूर्खारे सेवा कछु न जानू नीत मूर्खारे हम मैंने तुम्हें उजल करते तुम उजल करते हम मैंने तुम उजल करते हम निर्गुण तुलाता हम मूर्ख तुम चतुर सयाने तुम सर्व कला का ज्ञाता तुम सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा 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 हम पति को बाप खंडन नीको ठाकुर देसा ठाकुर देसा सेवा कछु न जानहु नीच मूर्खारे नीच मूर्खारे रखो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा राखो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा तारे मान करो तुझ रे मेरे प्रीतम प्यारे हर की वड्याई देखो संतो देखो संतो हर की वड्याई देखो संतो हर निमाणया मान दिवाई हर निमाणया मान दिवाई जो धरती चरण चले ते ऊपर आवे नानक साध जना जगत मान सब पैरी पार करो हम अपराधी सद्गुण पे तुम बख्शनहारे तुम बख्शनहारे तुम बख्शनहारे तुम बख्शनहारे तुम बख्शनहारे रखो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा तारे रखो अपनी शरण प्रभु मोहे कृपा तारे सेवा कछु न जानू
सेवा कछु न जानू मूर्खारे डाको अपने शरण प्रभु मोहे कृपा रे डाको मोहे कृपा मोहे कृपा मोहे कृपा तारे वाहे गुरु संत जना मिल हर जस गायो ओ जन्म के दुख गवायो संत जना में हर जस गायो ओ जन्म के दुख गवायो जो चाहत सो ही मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो जो चाहत सो ही मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो दर्द दुख हर नाम बढ़ाई प्रसाद नानक मत पाई दर्द दुख हर नाम बढ़ाई प्रसाद नानक मत पाई संत जना मिल हर जस गायो पुत जन्म के दुख गवायो संत जना मिल हर जस गायो पुत जन्म के दुख गवायो ओ जन्म के दुख गवायो ओ जन्म के दुख गवायो श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत तीसरा दोदाई दाया खिले सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाच तम दूर करमियाँ पो अपनी के नेड़े फेर दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख जिले के तीश ते नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए श्री गुरु शब्द कमाए जिन
जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पगतार कहां तुच्छ प्रभु बुद्ध हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आपुले हो तुम कथा सुधारी जी आपुले हो तुम कथा सुधारी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तुहित महला पंजवा संता के कार्य आप खलोया हर काम करावन आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जियो कल संध्या दे दीवाना विच आप सब संगतां ने बहुत ही श्रद्धा बहुत ही प्रेम दे नाल गुरु इतिहास दी लड़ीवार कथा विचार दे विच सरवण करना कीता कि अकाल पुरख पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा विचार करदे ने कि मैं इस संसार दे विच गुरु रूप धारण कीता है श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे रूप विच। गुरु रूप धारण करके संसार दे लोकां नू सच दे नाल जोड़िया जोड़ रहा ते हुण संसार दे भले दे वास्ते अमृत सरोवर दी रचना हो रही है हरी मंदिर साजिया जाना है। इस अमृत सरोवर दी महिमा हरी मंदिर दी महिमा संगतां दे विच प्रगट करन हित वधाउण हित ओ पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा कौतक रचदे है मनुख दा रूप धारण करदे ने एक हाथ दे विच कही पकड़दे ने अते एक हाथ दे विच टोकरा पकड़दे ने अपनी मौज दे विच आके ही जिस थां ते हरी दा मंदिर बनना सी उस थां दे उत्ते मिट्टी दी पुटाई करन लग पए। रब जी नूं ऐसा कौतक करदिआं वेख के इस ब्रह्मंड दीआं जो होर भी शक्तियां ने जो परमात्मा तो वरसाईआं गईआं ने बड़ियां हैरान ते खुश होईआं। उन्होंने भी रूप बदले ते वह भी रब जी दे नाल आके सेवा करन लग पए। गुरु रूप दे विच सेवा करवा रहे ने ते सां संगत जी सिख रूप दे विच सेवा कर रहे ने वह पारब्रह्म परमेश्वर श्री गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी दुख भंजनी बेर दे उत्ते विराजमान ने थड़ा साहब ते
सतगुरां ने वेख्या कि अज कोई संगत भी सजे खब्बे तो बहुती नहीं आई। ये जथा कितों आया? बड़े उत्साह दे नाल सेवा कर रहे हैं। तो इन्हों दे विच जिहड़ा इन्हां दा मुखी है उहदे चेहरे का नूर बड़ा बेअंत है। श्री गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी पहुँचते है गए मनुख रूप धारण किए हुए परमेशर जी दे कोल ते उपमा सतगुरु जी करते हैं। हुण उस ईश्वर ने दो रूप धारे ने गुरु दा ते सिख दा। ईश्वर चाहे तो साध संग जी बेअंत रूप धारण कर लवे। हुण श्री गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी परमात्मा की उपमा करते हैं अपने आप नूं अणजाण समझद्या होण ताकि साध संग जी संगत दे विच परमेश्वर की उपमा हिरदे दे विच बह सके। सो किवें उपमा कर रहे ने इहनूं सरवण करिए। आओ एकाग्रता बनाइए बड़े प्रेम दे नाल शब्द नाल जुड़िए। करो कृपा। वाहे गुरु संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। उस रब जी दा सुभा है अज तो नहीं मुड़ तो ही। की सुभा है कि ओ रब जी अपने प्यारियां दे सारे कारज आप खुद करदे है। भावें नामदेव दा घर बनाउणा सी भावें भगत धन्ने दे खेत दे क्यारे मोड़ने से भावें भगत त्रिलोचन दे घर जाके जूठे भांडे मांजने भावें सैन नाई दा रूप धारण करके राजे दी टहल कमाउणी सी भावें बेणी भगत दे घर खुद आके राशन पहुँचाना सी उहदा मुढ तो ही सुभा आया संतां के कारज आप खलोया। क्यों? परमेश्वर परमात्मा अपने प्यारियां दे सारे कार्य खुद करन वास्ते संसार दे वखरे वखरे रूप धारण करके प्रगट हुंदा है। धरत सुहावी ताल सुहावा। धरत सुहावी दा मतलब की है? ए शरीर, शरीर किवें सुहावा बनदा है। विच अमृत जल छाया राम। हुण साध संगत जी सावण दा महीना आउंदा ना बड़ी बरखा हुंदी है बंजर धरती भी जिहड़ी बड़ी खुश्क हुंदी है उहदे ते भी हरियाबली आ जांदी है। तुसीं देखिया करो पार्कां दे विच किड्डे गोडे घाह हो जांदा बनस्पति हरियावल नाल खिड़ जांदी है। ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਵਰਸ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੂਜਨੀਏ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਕਰਾਇਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ।
ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਪਿਆ ਜਗ ਅੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਬਨਾਸੀ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਰਿਧ ਦੀਨੇ ਕਰਤੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੈ ਕਾਈ ਰਾਮ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਛਾ ਖਤਮ, ਇੱਛਾ ਸਮਾਪਤ, ਇੱਛਾ ਰੋਕਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਤੇ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਪੰਡਿਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਈ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਸ਼ਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਰਤੇ ਕੀ ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਰਾਮ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਛਿਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਚਾਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਸਤਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਕਦਾ, ਛਿਜਦਾ, ਘੱਸਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਛਿਜਦੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਿਛੜਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਦਾਤ ਸਵਾਈ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਜਾਈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਸਗਲੇ ਉੱਠ ਨਾਠੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਘਨ ਨੇ ਸਭ ਖਤਮ, ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਬਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
परिवार दे विच आम रहिंदे आ, ब्याह शादियां करदे आ, धी पुत जमदे आ, पालदे आ, उन्हां नूं पढ़ांदे लिखांदे सारा कुछ करदे आ। जो कुछ घरां दे विच हुंदा है फिल्मां च भी तो उही हुंदा गा, उत्थे भी कुछ ना प्रेम करदे आ, ब्याह शादियां करदे, धी पुत जमदे आ, घरां दी समस्या वगैरह वगैरह सब दिखांदे आ। जदों कि ओह नकल है, एक्टिंग है, ये ओरिजिनल है। तो साध संगत जी पोस्टर किन्ना दे लगते है, नकल दे जा असल दे? कमाई किन्ना नूं हुंदी है? असी अपना परिवार चला रहे हाँ, सानू कोई करोड़ दो करोड़ देगा, उन्होंने तो करोड़ा मिलते हैं, कारण की है? वह सब कुछ करते हैं विदाउट अटैचमेंट। कोई मर जाता है तो साध संगत जी उन्होंने पता एक्टिंग ही है, कोई होर फर्क नहीं है। राजे का रोल दे दे, भिखारी का रोल दे दे, डायरेक्टर, कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई फर्क पएगा नहीं ना। वो सारा कुछ करते हैं पर करते हुए भी उन्होंने मन के विच है कि मैं एक्टिंग कर रहा, सिर्फ डायरेक्टर की खुशी वास्ते स्क्रिप्ट एवं लिखी हुई है। पर जदों साध संगत जी मनुख निजी जीवन के विच आ जाता, काम उही करता है पर अटैचमेंट रख पैंदा है, ना कोई पोस्टर लगता, पैसा धेला तो मिलता ही नहीं है, बल्कि घर के भी कहते ना जमदे, तुहानू इनविटेशन दिता सी कि सानू जमो, जमे तो फिर हुण पालो, तुहाडी सिरदर्दी है, कोई आसान नहीं हैगा। इसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जी आम मनुख दे जीवन अते गुरु पीरां दे जीवन दे विच है। आम मनुख दा जीवन गृहस्थी लोकां दे वांग है, दुख दे विच दुखी, सुख दे विच सुखी हो गए। पर जिहड़ा गुरुआं दा जीवन है, अवतारां दा जीवन है, एक फिल्म दे एक्टरां दे वांग गुस्साखी माफ करना। हुण इह ना कहो कि भाई साहब ने गुरु साहब नूं एक्टर बनाता, क्योंकि दूजे पासे बहुत छेती अर्थ निकल जांदे है। सिर्फ एक प्रमाण है, संसार रूपी मंच ते एक्टिंग करन वास्ते सारे आए हां, जिहड़ा अच्छी एक्टिंग करेगा उहनूं तगमे मिल जाणगे, ऑस्कर अवार्ड मिलणगे परमेश्वर वल्लों। गुरु पीर अवतार सब कुछ करते हैं साध संगत जी विदाउट अटैचमेंट, साढ़े दुख सुख साढ़े कर्मा करके आते हैं, उन्होंने दुख सुख कर्मा करके नहीं आते, सिर्फ सानू अकल देने आते हैं कि दुख दे विच किवें आनंद की अवस्था में रहना। देग उबलती पई है, पानी उबलता पाया, अग तत्ती है, भांडा भी तत्ता हो गया, तो ठंडे गुरु अर्जन देव महाराज, काजी तत्ता, मौलवी तत्ता, चंदू तत्ता, ओजवाल तत्ता, जहांगीर तत्ता, अग तत्ती, रेत तत्ता, तवी तत्ती, धुप तत्ती, लू भी तत्ती, होर तो होर साई मिया मीर भी तत्ता हो गया। इन्हां सारे विच ठंडा कौन है? गुरु अर्जन देव महाराज। जीवन जीण की जांच सिखाई है। महाराज कहिंदे आ, जिन्हों का इश्क साधिक वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे खामोशी दिलों में याद करते हैं। इन्हों कहिंदे प्यार पाउणा, इहनूं कहिंदे जीवन गुजारना, कि ऐसे परमात्मा दे प्यारे हुंदे आ। जीवन दे विच दुख आउंदा है पर ईश्वर दी किरपा ऐसी हुंदी है, दुखां विच दुखी नहीं हुंदे, शांत सहज आनंद कनेरे बिनसे भूख सबाई। हुण ईश्वर दी ऐसी किरपा हो गई, संसार दे जिन्ने भी संकल बिकल बिनस गए, हर समय सुख है, आनंद है, ते शांति है। नानक गुण गावै स्वामी के, आचरज जिस वडियाई राम। आचरज अर्थात बड़ी हैरानी दी गल, वंडरफुल है। उस अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा दे गुण गाओ, जिदे साध संगत जी महिमा नूं कोई अज तक समझ नहीं सकिया, अवतार ना जाना अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा दी महिमा नूं कोई समझ नहीं सकिया, पातशाह जी बचन करदे आ, ऐसे ईश्वर दे गुण गावो। जिसका कार्य तिने ही किया, मानस क्या विचारा राम। ए जीवन दी जो फिल्म है ना, ये शूट बड़ी पहला हो चुके, हुण तां सिर्फ रिले हो रही है, प्ले हो रही है, और कुछ नहीं हैगा। जो असीं टीवी ते वेखदे पए आ, उह शूटिंग बड़ी पहला हो जांदी है, हुण तां सिर्फ प्ले रिले हुंदी है और कुछ नहीं। उन्होंने देख के रोई चलो, फायदा की हो दसो, वह तो इंजॉय करने वास्ते है।
मूर्ख लोग देख के रोन लग जाते कोई यह जहा सीन आता डायरेक्टर नूं पता है भी मैं शूट कर चुके हैं हुण तां रले पले हो रही है इंजॉय करो जीवन भी ऐसा ही है ये कर्मां दे करके साड़ी रील बन चुकी है किन्ना धन कदों मिलेगा कित्थे मिलेगा की तो मिलेगा परिवारक सुख किन्ना के मिलेगा किन्नी लिमिट है पदवियां किन्नियां मिलनगियां सब कुछ लिमिट है ये निश्चित कर चुके हैं। एहसास संगत जी मनुख ने फिर की करना है इंजॉय करना हैगा जीवन बतीत करना हैगा। सतगुर सच्चे पातशाह जी कह रहे ने कित्थे उंगल रखो ना नाल जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या विचारा राम काम तो महाराज ने आप ही नबेड़ देने है सो डब्बे डिपेंड हो जाता है इंजन ते इंजन आप ही खिंच के लै जाता सौ डब्बियां नूं इंजन सौ तो वध खिंच के लै जाएगा कहने का मतलब जीवन की डोर बाबे नानक दे हाथ दे दईए पाई लैणा तुर पए घोड़ी ते सवार ने पुजदे जांदे ऐ नानक तपे दे कर जाना नानक तपे दे कर जाना नानक तपे दे कर जाना है जिहड़ा भी मिले कहिंदे अगे है अगे है अगे है अगे है कोई लैके नहीं गया अगे अगे करी जा रहे ने नानक तपे दे कर जाना अगे है अगे है अगे है जिसे तेरे दर का पता पूछता हूं वही कुछ दूर आगे बता देता है। ते जद बाबा नानक जी आए कहंदे नानक तपे दे कर जाना पुरखा तू नानक दे कर जाना चल तेनू असी लै चलते हैं। जदों बाबे नानक ने वांग पकड़ी पहुंच गया बाबे नानक ने वांग उदों पकड़ी जदों भाई लैणे ने वांग छड़ दित्ती ते बाबे नानक ने वांग पकड़ दी फिर किसी तो पुछण दी लोड़ नहीं पई। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहने जिसका कार्य तिन ही किया परमात्मा परमेश्वर अपने भगतां दे सारे कार्य आप कर दिंदा है मनुख दे हाथ बस की है ये तो मिट्टी का पुतला है जिवें ईश्वर चला रहे उवें चलना पैंदा है मिट्टी का पुतला प्यारे हो फिर हर सुख का दुख सुख का यह जन्म मरण फायदा नुकसान मिलना विछड़ना चलना ता ही तो इन संसार कहते घर कहते हैं ओ परमेश्वर परमात्मा सब अपनी मौज दे विच करदा है बंदे दे हाथ वस कुछ नहीं। भगत सोहन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। हुण आम मनुख ते भगतां च की फर्क है आम मनुख ते भगतां च की फर्क है सतगुरु जी दस रहे ने आम मनुख का जीवन एक आम मक्खी वांग हुंदा ते भगतां दा जीवन मधु मक्खी वांग हुंदा तो सारे ने सुने ना प्रमाण आम मक्खी जदों मिठे ते आएगी इकदम मिठे ते छाल मार दे उहदे हाथ पैर सब लिबड़ जांदे पंख लिबड़ जांदे उत्थी मर जांदी है। मधु मक्खी तीलियां दे उत्ते बहिंदी है मिठा खांदी है ते चली जांदी है खाएगी पर लिप्त नहीं होएगी लिबड़ेगी नहीं। आम मनुख का जीवन है वह दुख सुख के लिप्त हो जाता लिबड़ जाता दुख आया दुखी हो गया सुख आया सुखी हो गया पर जो साध संग जी अवतारी पुरुष होंगे है उन्होंने मन की अवस्था में दुख सुख विचलित नहीं कर सकते यही भगतों का जीवन है। सतगुरु जी ने गुरबाणी के सू जीवन जीण की जाच सुनाई सुखाई है कहते हैं सोहन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम। कौन भगत? भगत वो ईश्वर दे परमेश्वर दे सदा ही उन्हों जपदे है ते जीवन दा आनंद माणदे है। गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी। ईश्वर दे गुण गाइए ना आनंद पैदा हुंदा है आनंद ते गुस्सा की माफ करना संसार दे गुण गाइए ते गंद पैदा होंदा है ये सच है। ईश्वर दे गुण गाइए आनंद पैदा होंदा है जीवन दे विच इंसान संगत जी सच है ये कोई तुक्का नहीं हैगा। 24 घंटियां विच कुछ पल चौकड़ा मार के एकांत दे विच बहन की कोशिश करिए उस ईश्वर नू परम इलाही नूर नू ध्याइए। कलयुग की माया बड़ी बलवान बंदा समाधि बैठेगा
ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੜ ਲੈਣਗੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕਹੇਗਾ ਲੈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਘਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚ ਲਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਤਲ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 70 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੰਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੌਸਮ ਅਪਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਇਨਾਮ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀਆਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਖੋਜ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟੈਂ ਟੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸੋਹਣ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰਾ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਆਨੰਦ ਉਪਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਬਣੀ। ਕਿ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ ਉਪਮ ਉਦਮ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਿਆ ਗਣੀ। ਜਿਨ ਉਦਮ ਕੀਆ ਤਾਲ ਕੇਰਾ ਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਇਹੀ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ। 68 ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਤਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਜਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਾ। ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਜੈ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹ 68 ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੰਗਾ
जमुना गोदावरी सरस्वती ते उद्यम करें धुर सतगुरु की ताई किलविक मैल परे भरे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई। ये महापुरशां दी रब दे प्यारे दी इन्नी उपमा है। चार किताबां पढ़ के दो चार साल ला के कालजां विच ते संतां महात्मा दी बुराई करन लग जो। गुरबाणी तो कहती है निंदा भली काहू की नाही, फिर साधुआं दी निंदा करन दी सिख्या किने देती दसो। महाराज ने पंडित की भी बुराई नहीं की थी, कहने सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म मैं सोदा राम नाम परमेश्वर परमात्मा अपने हिरदे जीवन दे विच नानक तिस पंडित को सदा आदेश। एह जे पंडित नूं असीं मत्था टेकदे आ। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी हैगी, पर संतां दी निंदा करनी किने सिखाई दसो। संत किसी कपड़े लीड़े का नाम नहीं है, किसी डेरे का नाम नहीं, संत जीवन का नाम है। तो कोई भी हो सकता। पहला अमृत सरोवर बनाया गया, उहदे विच फिर पानी भरिया गया। पहला पानी ही भरिया सी। जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने चरण पाए इशनान किया तां फिर 68 तीर्थ बन गए। 68 तीर्थ बन गए। आ जदों अमृत छकदे आ आपां जाने गुरुद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर, वह कौल दे विच बाटे विच पानी पहलां पाया जांदा है, फिर घंटे डेढ़ घंटे बाद कहिंदे जी अमृत बन गया। इह जी कि शक्ति उत्तों आई है, तुहानूं कदे दिखी हैगी? मैनूं तां कदे दिखी नहीं हैगी, मैनूं नहीं दिखी हैगी। फिर किवें अमृत बन गया? वह जिहड़ी बाणी गायन कीती गई है, वह बाणी पढ़ी गई है, वह बाणी का असर उस पाणी विच पै गया। वह पाणी पाणी नहीं बल्कि अमृत हो गया। एक घंटा पंज प्यारे साध संगत जी बाणी पढ़ते हैं तो वह एडा क बाटा पाणी तो अमृत बन जाता है। उत्थे साध संगत जी पता नहीं कदों का ही सिमरन कीर्तन हो रहा है जदों का महाराज जी ने प्रकाश करवाया गा, वह हजे तक पाणी हो रह गया। पाणी नहीं हैगा, वह अमृत है जिहड़ा श्रद्धा करता उहदे ते किरपा हुंदी है। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बचन करते ने 68 तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चा, अर्थात 68 तीर्थ के सतगुर सच्चे पातशाह जी की किरपा हुई ये अमृत सरोवर 68 तीर्थ हो गए। इस तरह जिस मनुख के हिरदे दे विच परमात्मा का नाम आ गया उहदा जिहड़ा शरीर है चलदा फिरदा 68 तीर्थ है। पातित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा। ओ परमेश्वर परमात्मा पतित पावन है, ये उहदा बिरद है, अज तो ही नहीं कदीम तो है, मुढ़ तो संतां के कारज आप खलोवार कम करावन आया राम। ये परमात्मा का सुभाव मुढ़ तो है कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पतित पावन है। गुण निदान मेरा प्रभ करता उस्तत कौन करी जय राम। वो करता है क्रिएटर है, इस संसार का करण हार है। जिन्हें भी जीपा गालियां रसना गा लैन उहदा कोई अंत नहीं पा सकता। भगत कहिंदा महाराज एक जीभ दे नाल सिमरन करदे ने तृप्ति नहीं आती, दो जीभां दे दिओ। दो देतियां नहीं मारे गल नहीं बनी, भी दे दिओ, पर सैकड़े दे दिओ, हजारा दे दिओ, लख दे दिओ, भी लख दे दिओ। भी लख जीभां दे नाल मैं गावां तेरा नाम, एक दू जीभ हो लख होवे लख होवे लख बीस लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश। ते भगत कहिंदे इत्थे भी गल नहीं बनी, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे हर रोम नूं जीव बना दिओ मैं तेनों गायन करा। ओ भगत ने परमेश्वर नूं हर समय जपदे हन। संतां की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम। आपां की मंगदे महाराज तों? पैसा परिवार पावर, यही चीजा मंगदे ना, पैसा परिवार पावर धन काम बड़ियाई। राजे नूं खुश करके तूड़ी दी पंड मंगदा बंदा, राजे नूं खुश करके तूड़ी दी पंड मंगदा। राजे तो राजे नूं मंग लै की रहू पिछे, दस सब कुछ मिल जाएगा। हुण गुरु प्यारी साह संगत जी जौहरी दे कोल आके कहिंदा मैं कच दा काम सीखना। कच दा काम कदे सीखेंगा तू? हीरे दा काम सीख। भगत जिहड़े हुंदे आ उस ईश्वर तो की मंगदे आ? केवल परमात्मा दी खुशी, राज ना चाहूं, मुक्त ना चाहूं, मन प्री चरण कमार, कुछ नहीं चाहिए सानू संसार, सानू केवल तेरी किरपा चाहिए।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਐ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੀਜੈ ਦਾਨ ਕੀਜੈ ਬਿਸਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖਿਨੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਰ ਰਸਨਾ ਸਦਾ ਗਾਈਏ ਅਣਦਿਨੋ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਅਣਦਿਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ ਮਨ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੱਜੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਨਾਮ ਸੇਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਇਛ ਪੁਨੀ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀਜੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਦੋਹਰਾ ਇਮ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਕਰ ਖਰੇ ਗਾਈ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ। ਵਧਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਦਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਆਨੰਦ ਚੱਖ ਆਏ। ਵਧਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਦਿਸ਼ਨ ਵਧਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋ ਦਿਸ਼ਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੌਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੌਰੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਪਤੰਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਲ। ਭੌਰਾ ਸਾਹ ਸੰਗ ਜੀ, ਭੌਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤੀਰ ਅਰਥਾਤ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੱਸੋ? ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੋਰੇ ਦਾ ਕਮਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ, ਕਮਲ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਤੜਫ ਕੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਤੀ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਭੋਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਖ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਰਾਧ ਦਿਆਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਤ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਗੁਰਹੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੱਖ ਏਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇ। ਤੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਧ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਤ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੋਟੀ ਅਗਰ ਭਾਵ ਰੱਖੇ, ਤਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਟੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ।
भाई साहब जी बचन कर रहे ने कि जो सतगुरां ने इस तरह शब्द पढ़िया ते दोनों पासे तो प्रेम वध गया। श्री अर्जन अर्जन कर निके तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव सचे पातशाह जी। अर्जन कीर्त गुण प्रभ ही के उस पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा दे गुण गायन कीते। निकट होए कर दोनों हाथ निकट होए सात संगत जी दो रूप दे विच परमात्मा खड़े हैगा। दो रूप दे विच एक गुरु रूप दे विच एक आम सिख संगत जां मजदूर दे रूप दे विच हैगे एक कोई नहीं। जिमें भावे में घड़ा है भावे कौली है देखण नूं इको नहीं हैगे देखण नूं वखरे वखरे ने इको नहीं हैगे पर साध संगत जी मिट्टी करके तो इको ही नहीं ना। शरीर अलग ने पर जोत तो इको ही है जो च तो कोई फर्क नहीं। ज्ञान सारे दे अंदर बराबर है वध घट नहीं हैगा पर जिन्ना जिहड़ी मेहनत करेगा उन्हूं उन्ना प्राप्त हो जाएगा। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान सारे नूं ज्ञान हैगा। हुण मैं सोचा कि मैं बड़ा तकड़ा ज्ञानी हाँ भाई लम्मे नूं तां इन्ने लोकी सुणन आउंदे आ सब तो वड्डा ज्ञानी मैं हाँ क्योंकि जिसके भाणे कोई ना भुला जिन सगले ब्रह्म पछाता जे ते सारे परमात्मा फिर भुलिया कौन है दसो। जदों सारे ही परमेश्वर है फिर किनू ज्ञान करना। ये तो सिर्फ आपां मिल के परमात्मा दियां कहानियां करदे पए आं परमात्मा दे गुण गायन करदे पए आं होर कुछ नहीं हैगा। कथा करन वाले नूं भी सोचना चाहीदा है कि जिवें ये सारे सुनदे पए मैं भी सुनदा पिया उस ईश्वर दे गुण। कथा करन विच आनंद नहीं आउंदा कथा सुनन विच आनंद आउंदा। करन विच तां सच जाणिओ एनर्जी कंज्यूम हुंदी है सुनने विच आनंद आता जो कथा वाचक सोचेगा ना मैं भी सुन रहा जो संगत नूं आनंद आता वह साध संगत जी कथा वाचक नूं भी आनंद आएगा। इस तरह पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा दी उपमा सतगुरां ने कीती। परसे पद अरबिंदन साथ हुण सतगुर सचे पातशाह जी मर्यादा नूं मुख रखदे होए रब जी दे चरण स्पर्श करन लगे। गए त्रिलोक पत अंक परे है ओ पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ने सतगुरां नूं अगे तो पकड़ के ही अपने छाती नाल ला लिया। परम प्रेम ने विशुद्ध करे है परम प्रेम प्रेम दी नदी दे विच वगदे होए पता नहीं लगता कि भगवान है भगत है। इस तरह गुरु प्यारी साध संगत जी कृपा हुई है सुना के किवें कथा चलती कल दे दीवाना दे विच आपां सरवण करनी है। कल एक बेनती कीती सी कि तुसी डेली आउने हो लड़ीवार कथा टाइम नाल आ जाया करो अज कल नालों फर्क है। कुछ आए ने कथा शुरू होंदे ही जां कथा शुरू होंदे होंदे पहलां आ गए ने जां कुछ लेट दे बजाय टाइम नाल आ गए इहदा की फल मिलदा साध संगत। दमदमा साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी लिखाया तुहानूं याद है भाई मणि सिंह जी तों सतगुर सच्चे पातशाह जी ने कथा आरंभी लड़ीवार सिख कौम दे विच लड़ीवार कथा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सब तो पहली बार कीती है। लड़ीवार कथा दे विच बहुत संगत आउंदी बेहिसाब संगत आउंदी पर जदों लड़ीवार कथा संपूर्ण हो गई ना 52 शरीरां दे विचों 50 शरीर साध संगत जी उसे समय योगा अगन द्वारा भस्मी भूत हो के सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम परमात्मा च मिल गए। 52 चों 50 शरीर दो शरीर साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने रोक ले शहीद बाबा दीप सिंह जी अते भाई साहब भाई मनी सिंह जी सतगुरां ने हाथ दे के पकड़ लिया कहिंदे इत्थे रुक जाओ तुहानू जो आनंद प्राप्त होया है इह संगत नूं पता ही नहीं हैगा। पंजाहां नूं जो वसा प्राप्त हुई है वह तो योग अग्न द्वारा शरीर नूं भस्म किया तो चले गए ने संगत नूं की पता लगी क्या आनंद बणिया। यह लड़ीवार कथा सुन के जो कृपा प्राप्त हुई है ना इहदी मिसाल कायम तुसीं जीवन जी के करनी हैगी। हजे रहो संसार च संगत नूं पता लगे शब्द की बरकत लड़ीवार संगत तो बहुत आउंदी सीगी पर कोई साध संगत जी एक दिन आ रहा दो दिन नहीं आ रहा कोई अद्ध विचों आ रहा कोई यही सोचते कि भोग ही असी पवाना कथा तो साढ़े जाए बिना भोग ही नहीं पैंदा गा पर जेड़े
कथा शुरू होने तो पहला ते समाप्त होने तो बाद जांदे सी वह सिर्फ 52 सिख सीगे 52 ते ओ जीवन मुक्त हो गए जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भोग पाए ना लड़ीवार कथा दा जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। लड़ीवार कथा दा साध संगत जी ए फायदा गा। इसलिए मेरी बेनती है कि टाइम कढ़िया करो कि टाइम कढ़िया करो 24 घंटे दे विचों पौना घंटा ही हुंदी है ते पता भी असीं जाना ही है गा ते कोशिश करिया करो कि पहला आ जाओ टाइम ला के क्या करा दे काम नहीं मुकने जद तक बंदे दे प्राण छुटने। बच्चे तो जवान हो गया जवान तो बिरद हो गया अणदाड़िए तो दाड़ियाँ आ गया दाड़ियाँ तो फिर कालियाँ तो चिट्टियाँ हो गई फिर उस तो बाद लकड़ा ही होनी है। थोड़ा बहुत टाइम ना लवान मैं उन्होंने धन्यवाद करदा जेडे अज टाइम के नाल आए ने ते जेडे अज लेट आए ने उन्होंने मैं बेनती करदा कल नू टाइम नाल आओ क्योंकि तुसी गुरु नानक दे प्यारे हो तुसी करोगे तुहाडे ते गुरु खुश होएगा नाल मेरा भी कृपा हो जाएगी मेरा भी नंबर लग जाएगा कि चलो ये कहे तो कहना तो मनिया इन्होंने। वाकई मैं अज शुक्र गुजार हाँ सैक्टर 30 की संगत का इन्ना प्रेम बन गया से संगत को।